रूस में 1940 में हुए एक एक्सपेरिमेंट की कहानी आज भी मशहूर है। दुनिया भर की वेबसाइट्स इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत कुछ लिख चुकी हैं। क्रिएटिव टनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों के साथ एक डील हुई थी कि उन्हें एक रिसर्च का हिस्सा बनना होगा, जिसके खत्म होते ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदी राजी हो गए, जिसके चलते उन्हें 30 दिनों तक बिना सोए रहना था और उन्हें एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया। सारे कैदियों को बंद करने के बाद उसमें एक ऐसी गैस डाली गई जिससे कैदियों को नींद ना आए और साइंटिस्ट ये देख सकें इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कैदी आपस में बातें करते थे और साइंटिस्ट उनकी बातें रिकॉर्ड करते थे और एक शीशे की खिड़की के जरिए उन पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीता, हालात बिगड़ने लगे। पहले हफ्ते के अंत तक सारे कैदियों ने आपस में बात करना बंद कर दिया था। वो अपने में बात करने लगे थे। 11वें दिन एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरे 3 घंटे तक चैम्बर में दौड़ता रहा। वो इतनी तेज आवाज से चीख रहा था कि उसका वोकल कॉर्ड फटने वाला था। चौंकने वाली बात ये थी कि इस कैदी के इतने चिल्लाने से दूसरे कैदियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही खत्म करने का फैसला किया। 15वें दिन कैदियों को सोने से रोकने के लिए जो गैस दी जाती थी वो बंद कर दी गई। लेकिन तभी सारे कैदी चिल्लाने लगे, हमें आजाद मत करो, हम बाहर नहीं आना चाहते। और जैसे ही गैस बंद की गई, 5 में से एक कैदी की मौत हो गई। और साइंटिस्ट ने जब बचे हुए कैदियों को देखा तो वो दंग रह गए। उनके शरीर के कई अंगों से गोश्त गायब हो गया था और कईयों की तो हड्डियां भी बाहर आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक दूसरे का गोश्त खाने लगे थे। और कहा यह भी जाता है, बाकी बचे 4 कैदियों ने बाहर आने से मना कर दिया। वे बेहद आक्रामक हो गए थे। वे अपने हाथ पैर का गोश्त जानवरों के तरह खाने लगे थे। जब कैदियों से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब सारे कैदियों ने एक साथ जवाब दिया कि हमें जागे रहना होगा। साइंटिस्ट को लगा कि उन पर भूत का साया आ गया है। कैदियों की खौफनाक हरकतों से घबराए, साइंटिस्ट ने सोचा कि इन्हें मार देना चाहिए। लेकिन टीम के कमांडर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उस कमांडर ने कहा कि कुछ साइंटिस्ट को उन कैदियों के साथ में रहकर उन कैदियों की स्टडी करनी चाहिए। इस बात से घबराए एक साइंटिस्ट ने उस कमांडर को गोली मार दी। उसके बाद उसने बचे हुए कैदियों को गोली मारकर सारे सबूत मिटा दिए।